जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन है कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे आप दबाएं, चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि हम आपको हमेशा सही और सटीक जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ें, कमेंट्स में अपनी जो भी बहुमूल्य राय हो ज़रूर लिख दें, ताकि आपको हमेशा आप पॉजिटिव सकारात्मक बातें आपको मिलती रहें। बुरा वक्त ख़त्म होने वाला है, बहुत दिनों से आप परेशान हैं, मन नहीं लगता, हताश है, बीमारी से लड़ रहे हैं, आर्थिक तंगी, बच्चे से परेशान, शादी नहीं हो रही, रोजगार नहीं लग रहा, न जाने कितनी परेशानी हमारे आप जीवन में हम जूझते रहते हैं। हम एक परेशानी का सोल्यूशन ढूंढते हैं, दूसरी परेशानी हमारे दर पर आ जाती है, एक दरवाज़ा खुलता है, दूसरी परेशानी हमारे यहाँ आ जाती है। परेशानी से लड़ते 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 हम यहाँ तक पहुँच गए। कभी कभी ऐसा लगता है कि परेशानी से हार मानने का एक मन हो जाता है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, हार नहीं मानना है आपको। जो भी परेशानी हो उसे आप सबसे पहले तो ईश्वर पर अर्पण कर दें कि जो मेरी परेशानी है ईश्वर को अर्पण आप कर दीजिए, पहली बात। इन सभी बातों को आप बहुत ही प्रैक्टिकल लें, बहुत ही सरलता से लें और बहुत ही सामान्य तरीके से लें। पहली बात है कि आपको ईश्वर पर छोड़ना है। दूसरी बात, हम दिमाग में जो चिंता लेकर बैठ जाते हैं, एक दिमाग पर लोड होता है, रात को नींद नहीं आती है कि कैसे होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, ये भी करना आप छोड़ दें, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब जो होना है वो होके रहेगा, आप लोड लेकर, आप इतने परेशान होकर, कोई आपके हाथ में कुछ होगा, जो होना है वो तो होके रहेगा, फिर मस्ती से क्यों नहीं जिया जाए। सजग रहना अलग बात है और टेंशन में रहना, चिंता में रहना अलग बात है। सजगता उसे कहते हैं कि आवाज आने पर आपका जाग जाना सजगता है, और टेंशन उसे कहते हैं कि आपको ये टेंशन है कि आवाज आएगी और मेरे को फिर जगना है। इसमें बहुत अंतर है, बहुत ही माइनर अंतर है, लेकिन उसे आपको समझने की जरूरत है। तो जब तक आप इस तरह नहीं जिएंगे तब तक आपको आपका वक्त खत्म नहीं होगा। तीसरी बात है सूचनाओं की जानकारी का होना, बहुत सारी जानकारियों को होना भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि बहुत बार परेशानी में फंसने में हमें जानकारियों का अभाव होने से भी हम परेशान हो जाते हैं। चौथी बात है खासकर स्वास्थ्य संबंधित, जब भी कभी भी किसी भी अपने को या कोई दुर्घटना हो या कोई भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो या किसी बड़े हॉस्पिटल में, छोटे हॉस्पिटल, कहीं भी, पहले 2-4 डॉक्टरों की राय लें किसी भी विषय पर, ओपिनियन लें 4-5 डॉक्टरों का। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे होता है कि हम तो बस परेशान रहते हैं, फंसी में रहते हैं आदमी, और कई बार इस चीज़ का लोग दुरुपयोग कर लेते हैं कि तो इनका पैर खराब हो जाएगा, इनका हाथ खराब हो जाएगा, ये बीमार हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो स्वाभाविक सी बात है, वो उनका चीज़ है, लेकिन हमें 4 डॉक्टरों का ओपिनियन जरूर लेना चाहिए, तभी आगे कदम बढ़ना चाहिए। उससे एक फ़ायदा है कि आपके पास नई जानकारी होगी और उसमें ये चीज़ें हो सकती है, और कई बार तो ये होता है कि चीज़ कुछ होती ही नहीं है, जबरन परेशान हो जाते हैं, ऑपरेशन की नौबत ही नहीं थी और ऑपरेशन जबरन हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों के लिए ये उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि सूचनाएं जो हैं उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जानकारी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अनुभव जिनको है उनसे आप राय लेकर ही इस इश्यू को काम करें, क्योंकि बुरा वक्त जो है वो कभी भी किसी के साथ भी आ सकता है। तो बिल्कुल घबराना नहीं, मेहनत करते रहें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स पर अपनी राय लिख सकते हैं। जय श्री महाकाल।